द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। और अगला जब विलियम को होश आता है तो वो अपने आप को स्विमिंग पूल के बगल में उल्टा लेटा हुआ पाते हैं वेयर ही वॉज वॉमिटिंग। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सैड द किड नियरली डाइड। और जिस लड़के ने जिस ब्रूजर ने 18 साल का जो लड़का था उसने विलियम को उठाकर उस स्विमिंग पूल में फेंका था किसी से कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक ही कर रहा था, आई वॉज नॉट दैट सीरियस अबाउट इट। तो उस आदमी ने वापस से उससे कहा कि ये लड़का मरने ही वाला था तुम्हारी इस हरकत की वजह से। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब ठीक है जो हुआ वो हुआ, चलो इसे लॉकर रूम के अंदर ले चलते हैं। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. कुछ घंटों बाद जब विलियम वॉक करके अपने घर पर पहुँचे तो वो काफ़ी वीक फील कर रहे थे और वो काँप रहे थे। I shook and cried when I lay on my bed. उनका पूरा शरीर शिवर हो रहा था, वो काँप रहे थे और जब वो अपने बेड में लेटे तो वो केवल रोते ही रहे। I couldn't eat that night और उस रात तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। For days a haunting fear was in my heart। कई दिनों तक उनके दिल में ये जो पानी का डर था वो उन्हें काफ़ी डरा रहा था जिसने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था, तो वो काफ़ी डरते रहे कुछ दिनों तक। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach। और उस डर का रिजल्ट ये हुआ कि वो काफ़ी अपसेट रहने लगे और उनके पेट में और उनके घुटनों में एक हल्का हल्का सा पेन रहने लगा जो कि उनके डर की वजह से था। I never bent back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. विलियम आगे बताते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से वो कभी भी पूल पर दोबारा से लौटकर नहीं गए क्योंकि वो पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो उन्होंने पानी में जाना अवॉइड किया। ठीक है, जब भी वो अवॉइड कर सकते थे ही ऑलवेज अवॉइडेड दिस वाटर एक्टिविटीज़। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड I wanted to get into them। और कुछ सालों बाद जब उन्हें कास्केड के वाटर्स के बारे में पता लगा, एक वाटर सोर्स के बारे में पता लगा, तो विलियम चाहते थे कि वो उसके अंदर जाएं। एंड वेन एवर आई डिड वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर ऑफ वेडिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स द टेरर हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। और जब भी उन्होंने ऐसा किया वो अलग अलग वाटर सोर्सेस पर गए, टाइटन रिवर, बम्पिंग रिवर, जब वो वार्म लेक में नहाते थे और जो गोट रॉक्स पर जब वो जाते थे, तो जितनी भी जगह जितनी भी वाटर स्पॉट्स पर वो गए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, तो वो उन वाटर एक्टिविटीज़ को और जो वाटर सोर्सेज थे वहाँ पर इंजॉय के लिए जाते थे लेकिन वो कभी भी उनको इंजॉय कर नहीं पाते थे। इसका सीधा सीधा सा रीज़न ये था कि उनके दिलो दिमाग में जो पानी से रिलेटेड जो डर था वो डर पैदा हुआ था जब वो स्विमिंग पूल में मरते मरते बचे थे, तब से ये डर उनके दिलो दिमाग पर हावी था, इस वजह से वो कभी भी वाटर एक्टिविटीज़ को वाटर स्पोर्ट्स को इन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि जब भी वो पानी में जाते थे तो वो डर उनके दिलो दिमाग पर लौट लौट कर हावी हो जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये डर ने उनको कम्प्लीटली अपनी ग्रिप में ले लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आईसी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट। जब वो पानी में जाते थे तो उनके जो पैर थे वो चलना बंद हो जाते थे, ही वॉज जस्ट लाइक पैरालाइज राइट, सो आईसी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट। और जब वो पानी में जाते थे तो उनका दिल एकदम ठंडा हो जाता था, उनका शरीर एकदम ठंडा हो जाता था, इसका मतलब कि वो फ्रीज हो जाते थे पानी के अंदर। This handicap stayed with me as the years rolled by। और ये जो डर था और ये जो कंडीशन थी कि वो एक हैंडीकैप्ड की तरह पानी में अपने आप को फील किया करते थे, ये कई सालों तक उनके साथ में चलता ही रहा। The canoes of my lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Tascaches and Metolius in origin। कि जितनी भी जगह वो गए न्यू हेमिस्फीयर में बास फिशिंग के लिए, ट्रॉट फिशिंग के लिए, ठीक है, वो जहाँ पर भी गए तो वहाँ वो कभी भी उन वाटर एक्टिविटीज़ को और इन फिशिंग ट्रिप्स को वो इन्जॉय नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हिस फियर ऑफ वाटर।
फिशिंग फॉर सैल्मन्स ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में जब वो फिशिंग के लिए गए या फिर बम्पिंग लेक में वो फिशिंग के लिए गए, जब भी वो फिशिंग के लिए किसी भी वाटर सोर्स पर गए, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, और जो पानी का डर था उसने विलियम का कभी भी पीछा नहीं छोड़ा. इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और विलियम इस डर की वजह से अपनी किसी भी वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पाते थे, और इस पानी के डर ने ही उनको इन वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी विलियम को, इससे दूर रखा. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. विलियम बताते हैं कि उन्होंने हर संभव कोशिश की कि वो पानी के डर से उभर आए, लेकिन उनके जितने भी ट्राइज थे, जितनी भी बार कोशिश की थी, वो किसी काम नहीं आया, और उनके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए, क्योंकि पानी ने उनको बहुत ही strongly, बहुत ही firmly अपने grip में लेकर रखा था. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. Finally, October month में उन्होंने ये decide किया कि वो एक instructor को hire करेंगे और वो उससे swimming सीखेंगे. I went to a pool and practiced 5 days a week. वो pool में जाते थे और 5 दिन हफ्ते में वो practice करते थे. An hour each day, और हर एक दिन वो 1 घंटा लगातार प्रैक्टिस करते थे. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. और जो इंस्ट्रक्टर था, विलियम को एक केबल की हेल्प से वो स्विमिंग कराया करता था, जिसमें वो एक हिस्सा केबल का विलियम की कमर पर बांधता था, एक लॉक की हेल्प से जो ऊपर लटका हुआ रहता था उससे निकाल कर दूसरा हिस्सा वो अपने हाथ में रखता था, और ऐसे वो केबल के थ्रू विलियम को स्विमिंग कराया करता था. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर. और घंटों तक विलियम को उस इंस्ट्रक्टर ने ऐसे ही स्विमिंग कराई, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, काफ़ी दिनों तक, फिर काफ़ी हफ्ते बीते, काफ़ी दिन बीते, काफ़ी घंटों तक, काफ़ी दिनों तक, फिर काफ़ी हफ्ते बीते, और विलियम ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहे उस इंस्ट्रक्टर के साथ में. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ अ पैनिक सीज्ड मी. और विलियम जितनी भी बार पूल में जाते थे तो वो जो डर था, उनका बचपन का डर था, वो लौट लौट कर आता रहता था, जिसकी वजह से विलियम पानी के अंदर फ्रीज हो जाते थे, और यही डर उन्हें स्विमिंग सीखने से रोक रहा था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द टॉप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज. तो जो इंस्ट्रक्टर था वो उस केबल को, उस रस्सी को स्ट्रेच करके रखता था, लेकिन जैसे ही वो उसको ढीला छोड़ता था और विलियम पानी के अंदर जाते थे, तो उनका जब मुंह पानी के अंदर जाता था, उनका फेस पानी के अंदर जाता था, तो उनका जो पुराना एक्सपीरियंस था, जहाँ पर वो जब डूब रहे थे तो उनको येलो टिंज कलर का वाटर ही दिखाई दे रहा था, तो बिल्कुल वही मेमोरीज़ उनके दिमाग में फ्लैश होती रहती थी, और इस वजह से उनके पाँव जम जाते थे और वो अपने पाँव को चला नहीं पाते थे. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. और ऐसा करते करते उनको 3 महीने हो गए थे, लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था, ये टेंशन विलियम को थी. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड रेज माई नोज एंड इनहेल. तो फिर इंस्ट्रक्टर ने विलियम को सांस लेने की ब्रीदिंग टेक्निक बताई. उसने बताया कि जब तुम्हारा फेस पानी के ऊपर हो तो तुम्हें सांस लेना है, और जब तुम्हारा फेस पानी के अंदर हो तो तुम्हें सांस छोड़ना है. तो ये छोटी छोटी 2 ट्रिक इंस्ट्रक्टर ने विलियम को एक्सप्लेन की. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर. विलियम बताते हैं कि उन्होंने इसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सैकड़ों बार रिपीट किया, उसे प्रैक्टिस किया, और धीरे 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 करके उन्होंने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया. वो कंफर्टेबल तो हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि जितनी भी बार वो पानी के अंदर अपने फेस को ले जाते थे तो थोड़ा थोड़ा फियर लौट कर आता रहता था, जब भी उनका हेड पानी के अंदर होता था. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स. और फिर इंस्ट्रक्टर विलियम को
पानी के अंदर ले गया पूल के साइड में, और विलियम को पानी में उतार कर बोला कि वो अपने पाँव को रिलैक्स करने के लिए अपने पाँव को पानी में ज़ोर ज़ोर से किक करें, क्योंकि जब विलियम पानी के अंदर जाते थे तो सबसे पहले उनके जो पैर थे वो फ्रीज़ हो जाते थे। अब पैर जब फ्रीज़ हो जाएं तो पानी के अंदर स्विमिंग करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उनके पैरों को रिलैक्स करना, उनको रिलीज़ करना फियर से, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इंस्ट्रक्टर ने विलियम को गाइड किया कि वो अपने पैरों को रिलैक्स करें और पाँव को पानी में चलाना सीखें। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और एक हफ्ते तक विलियम ने इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, इनिशियली तो उनके पाँव पानी में चल ही नहीं रहे थे, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था विलियम के लिए कि वो अपने पाँव को पानी में चलाना सीखें, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। लेकिन जब विलियम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते ही रहे तो फिर उनके पाँव रिलैक्स हो गए एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर विलियम अपनी मर्जी से अपने पाँव को पानी में चलाना सीख गए। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ही विलियम एक अच्छे स्विमर बन गए। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्टर उसने ये बोला कि तुम अब अच्छी खासी स्विमिंग करने लगे हो, और ये उन्होंने एकदम से नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से उन्होंने विलियम को स्विम करना सिखाया और पूरा एक पैकेज तैयार किया जिसमें विलियम एक अच्छे स्विमर बन चुके थे। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। और फिर अप्रैल में उनका जो इंस्ट्रक्टर था, 6 महीने बाद अप्रैल में उनसे ये बोलता है कि हाँ अब तुम परफेक्ट हो चुके हो और तुम इस स्विमिंग पूल में आराम से तैर सकते हो, तो अब तुम एक काम करो कि स्विमिंग पूल के अंदर जाओ और क्रॉल स्ट्रोक के थ्रू तुम स्विम करो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और विलियम ने किया भी वैसा ही, और जो इंस्ट्रक्टर का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया था। 6 महीने लगे इंस्ट्रक्टर को विलियम को स्विमिंग के लिए ट्रेन करने में, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग तो विलियम परफेक्टली ट्रेन हो चुके थे, लेकिन विलियम को इतना कॉन्फिडेंस खुद पर नहीं था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो पूरी तरीके से अभी स्विमिंग नहीं सीखे हैं। आई स्टिल वॉन्डर इफ आई वुड बी टेररिस्टिकन वैन आई वॉज अलोन इन द पूल। विलियम के दिमाग में क्या डर था, उनके दिमाग के अंदर एक डर बैठा हुआ था कि अभी तो ठीक है कि इंस्ट्रक्टर है और वो स्विमिंग कर पाए, उनको ऐसा अभी भी लगता था कि जब वो पानी के अंदर जाएंगे और जब वो अकेले होंगे तो उनकी जो बॉडी है उनको सपोर्ट नहीं करेगी और फिर से वही इंसिडेंट रिपीट होगा जो उनके साथ में बचपन में हुआ था। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, tiny vestiges of the old terror would return। लेकिन फिर विलियम ने अपने डर को काबू पाने के लिए फाइनली स्विमिंग पूल में जंप किया और वो उसके अंदर स्विमिंग करने लगे। थोड़ा थोड़ा तो डर लौट कर आया, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, ट्राइंग टू स्केयर मी, या वेल हेयर डू यू लुक। लेकिन विलियम ने इस बार अपने डर को चैलेंज करते हुए अपने डर से बात की और उसे कहा कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे डराने से डरने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं एक अच्छा स्विमर हूँ, तो मैं इस बार तो तुमसे नहीं डरूंगा। विलियम ने अपने डर को चैलेंज किया, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और बार बार उन्होंने पूल के अंदर स्विमिंग की ताकि वो अपने डर को चैलेंज कर पाए। He went on until July, but I was still not satisfied। विलियम ने जुलाई तक ऐसे ही स्विमिंग की और वो ऐसी स्विमिंग करते रहे, लेकिन वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं थे, उनको अभी भी ऐसा लगता था कि ही इज़ नॉट परफेक्ट। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उनको वास्तव में ऐसा लगता था कि 100% उन्होंने अपने डर को काबू नहीं किया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट द टिग्रिस at Tigris Island and swam 2 miles across the lake to Stamback Island। वो आइलैंड पर गए, झील पर गए न्यू हेमिस्फीयर, और उन्होंने 2 miles तक स्विमिंग की ताकि इतनी बड़ी बड़ी जगह पर जाकर वो स्विमिंग करके अपने डर को 100% काबू कर सके। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक।
और विलियम ने हर तरीके से इन जगहों पर स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और केवल एक ही बार ऐसा हुआ कि वो पानी का जो डर था वो लौट कर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, वो कब आया, जब वो लेक के बीचों बीच थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट द बॉटमलेस वाटर। अब ये बिल्कुल वही मेमोरीज थी जो मैच हो रही थी विलियम के फियर के साथ में, जब वो स्विमिंग पूल के अंदर डूब रहे थे और उन्होंने अपने आप को पानी के अंदर पाया और चारों तरफ उनको पानी ही दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जब वो लेक के अंदर स्विमिंग कर रहे थे तो जब उन्होंने बीच में अपनी आंखें खोली तो उनको चारों तरफ पानी ही दिखाई दे रहा था, बॉटमलेस वाटर जिसका कोई सरफेस नहीं था। तो वो ये जो मेमोरी थी ये मैच हो रही थी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, एक थोड़ा सा डर तो उनके दिमाग में आया। आई लाफ्ड एंड सैड, वेल मिस्टर टेरो व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आई फ्लेड एंड स्वैम ऑन। लेकिन अगेन इस बार विलियम ने अपने डर से बात की और ना केवल बात की, उसका मजाक उड़ाया, हंसे और कहा कि तुम मुझे डराना चाहते हो, देखते हैं कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। विलियम तैरते ही रहे और काफ़ी दूर तक उन्होंने स्विमिंग की। Yet I had residual doubt at my first opportunity, I hurried west, went up to the Titan to Conard Meadows, up the Conard Creek trail to Mead Glaciers, capped in the high meadows by the side of Warm Lake. अब इतना करने के बावजूद भी विलियम को अभी भी ऐसा लगता था कि नहीं, 100% वो स्विमिंग नहीं सीखे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो जल्दी ही कहाँ गए, टाइटन, कोनार्ड मीडोस, कोनार्ड क्रीक ट्रेल्स, मीएड ग्लेशियर्स, इन जगहों पर जाकर जब तक उन्होंने स्विमिंग पूरे तरीके से करके नहीं देख ली, वॉर्म लेक पर जाकर जब तक वो नहीं तैरे, हर जगह जाकर हाई ऑल्टीट्यूड लो ऑल्टीट्यूड उन्होंने हर जगह जाकर स्विमिंग की। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू अदर शोर बैक जस्ट एज डॉक कॉपन यूज्ड टू डू। उन्होंने डॉक कॉपन जो कि एक बहुत अच्छे तैराक थे उनकी तरह हर जगह जाकर स्विमिंग की। जहाँ जहाँ डॉक कॉपन्स जाते थे स्विमिंग किया करते थे रिस्की प्लेसेस पर, वहाँ पर विलियम भी गए और उन्होंने भी डॉक कॉपन की तरह जो एक बहुत अच्छे स्विमर थे उनकी ही तरह स्विमिंग की। नाउ ये समय था जब उन्होंने सारे चैलेंजेस को, सारे रिस्क को टैकल कर लिया था और उनका डर, उनको ऐसा लगता था कि नाउ ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट, उन्होंने उनके डर को 100% कॉन्कर कर लिया है। तो वो काफ़ी खुश थे। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न एट द एको। और जब वो गिल्बर्ट पीक पर गए और वो ज़ोर से चिल्लाए और जब वो चिल्ला रहे थे तो उनकी आवाज़ लौट कर उनके कानों में पड़ रही थी। I had conquered my fear of water. वो क्या बोल रहे थे कि मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया है, पानी के डर को काबू कर लिया है। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनकी आवाज़ गूंज रही थी और उनके कानों पर पड़ रही थी। The experience had a deep meaning for me. और ये जो एक्सपीरियंस था इसने विलियम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। विलियम को बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। As only those who have known a stark terror and conquered it can appreciate. और ये जो जीत थी ये विलियम के लिए कितनी बड़ी थी ये केवल विलियम जानते थे या फिर वो इंसान जानता था जिसने कभी इस डर को फेस किया होगा। और ये डर इतना बड़ा था उनके लिए, इसको ओवरकम करना विलियम के लिए कोई एक अवार्ड विनिंग अचीवमेंट से कम नहीं था। इन डेथ देयर इज़ अ पीस, और इससे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात सीखी, वो क्या थी, इन डेथ देयर इज़ पीस, मौत के अंदर एक शांति है, एक पीस है। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, अगर डर कहीं है तो वो मौत के डर में है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जैसा कि रूजवेल्ट ने भी कहा था कि हमें अगर किसी चीज से डरना चाहिए तो वो अपने डर के डर से डरना चाहिए। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce the will to live somehow grow in intensely. और ये दोनों चीज़ें ये विलियम ने बहुत अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व की थी, पानी का डर हो या फिर मौत, विलियम ने बहुत ही करीब से देखी थी। तो इसने विलियम को ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया और विलियम की मदद की आगे बढ़ने में।
और विलियम भी अपनी तरफ से पूरे डेडिकेटेड थे अपने डर को काबू करने के लिए। विलियम ने कभी हार नहीं मानी अपने डर से, इसीलिए उनकी जीत भी बड़ी थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर। और फिर विलियम हायर ऑल्टीट्यूड पर, माउंटेन पीक्स पर गए और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि अब उनका जो डर था वो ख़त्म हो चुका था। और इसे एक्चुअली विलियम ने बहुत ही सक्सेसफुली कॉन्कर किया था विद हिज विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, और इस वजह से भी विलियम काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी रिलीज्ड फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ही इज़ एट द टॉपेस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, mentally relaxed and peaceful. So this was the story of the deep water, जिसमें विलियम ने उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया। होप कि ये स्टोरी और इसका एक्सप्लेनेशन आपके समझ आया होगा। सो लाइक, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर दोज हू आर इन नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।